एक देसी पौवे का दाम है महज 20 रुपए और एक ब्रांडेड शराब की बोतल करीब 5,000 में आती है। लेकिन क्यों? ऐसा क्या है इस जैक डैनियल्स की बोतल में जो इस देसी ठर्रे में नहीं होती है? इसे समझने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि देसी दारू आखिर बनता कैसे है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसे अलग अलग कई चीजों से मिलाकर बनाया जाता है। आप सभी को ये बात तो पता होगी कि गन्ने के रस से गुड़ को बनाया जाता है, संतरा मौसमी जैसे फलों से एंड सो ऑन। दोस्तों, इसे सबसे पहले बनाने के लिए इन सभी चीजों को मिलाया जाता है, फिर बाद में इसे पानी ऐड किया जाता है, उसके बाद इसमें गुड़ डाला जाता है, फिर थोड़े समय के बाद इसमें खमीर डाला जाता है ताकि पानी में डाला हुआ गुड़ अच्छे तरीके से सड़ जाए। उसके बाद महुआ के सूखे हुए फूल को उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है। महुआ के फूल को पेड़ से गिरने के बाद इसे 7 से 8 दिन धूप में सुखाया जाता है। फिर ये सारी चीजें डालने के बाद इस मिक्सचर को एक दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। फिर अगले दिन इसे दूसरे बर्तन में डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद इसके ऊपर एक और बर्तन रख दिया जाता है जिससे हम देसी दारू को डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए एक्सट्रैक्ट कर सकें। फिर इस मिक्सचर को मिट्टी से पूरा कवर कर दिया जाता है और इसे तेज आग देकर इससे बनती हुई भाप से जो बूंद बूंद गिरता पानी है उसी को हम देसी दारू कहते हैं। हालांकि ये प्रोसेस काफी स्लो होता है, बट अगर आप इसे पियोगे तो आप किसी और ही दुनिया में अपने आप को पाओगे। अब बात करते हैं ब्रांडेड अल्कोहल ड्रिंक्स के बारे में। दोस्तों, शराब बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं, राई या बाजरे को ग्राइंड किया जाता है जिससे उसे एक पाउडर में बना दिया जाता है। फिर उसे उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है जिसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रखा जाता है। गर्म पानी में डालने के बाद ग्रेन्स एक्टिव हो जाते हैं जिसके कारण वो स्टार्च और शुगर को टेक्रिक में बदल देती है और इसी प्रोसेस के बाद बियर की मेन बॉडी तैयार होती है और उसके बाद दोनों लिक्विड और सॉलिड मटेरियल्स को अलग कर दिया जाता है। हालांकि बियर बनाने के लिए केवल लिक्विड ही काम आती है और जो सॉलिड वेस्ट होती है वो एनिमल्स को फीड करने के लिए यूज किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद लिक्विड को एक बार और बॉईल किया जाता है ताकि इसके अंदर सारे जर्म्स एंड कीटाणु मर सके और ये लिक्विड कंजम्पशन के लिए तैयार हो जाए। इस प्रोसेस के बाद इसमें होप्स के फ्लावर डाल दिए जाते हैं जो कि एक टाइप से इंडिया के कुछ ही हिस्सों में पाई जाती है। होप्स फ्लावर डालने का मेन कारण ये होता है कि ये बियर में एक कड़वाहट ऐड करती है। जितना ज्यादा हम होप्स को बॉईल करेंगे उतनी ज्यादा बियर में कड़वाहट आएगी एंड वाइस वर्सा। उसके बाद इसमें जिंजर और मोलेसिस ऐड करके इस पूरे लॉट को फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर इस प्रोसेस के बाद इसमें यीस्ट ऐड किया जाता है जो कि एक टाइप से लिविंग फंगस होता है जो इस रॉ लिक्विड को फर्मेंटेशन में बदल देती है। लेकिन यीस्ट ऐड करने से पहले इस पूरे लॉट का टेम्परेचर कम कर दिया जाता है ताकि यीस्ट डालने के बाद हाई टेम्परेचर से वो मर ना जाए। उसके बाद दोस्तों इस लिक्विड को पाइप्स के जरिए ट्रांसफर कर दिया जाता है और जो शुगर और स्टार्च पहले बनी थी वो ये यीस्ट कंज्यूम कर लेती है और इसे कन्वर्ट कर देती है अल्कोहल और CO2 में। उसके बाद इस बियर को 30 डिग्री के सेल्सियस में ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है और इस प्रोसेस में यीस्ट लिक्विड के ऊपर आ जाती है जिसे हम निकाल कर फिर से रीयूज कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप आती है जिसे हम रैकिंग कहते हैं जो कि लिक्विड कार्बोनेशन प्रोसेस से गुजरती है। अब ये कार्बोनेशन प्रोसेस क्या होती है? दोस्तों, जब कभी भी बियर को CO2 के साथ सील पैक कर दिया जाता है अंडर प्रेशर तो जो बियर है वो सारे CO2 को एब्जॉर्ब कर लेती है जो कि हमें फिश के रूप में दिखाई देती है। जी हाँ, ये वही फिश है जो हमें बबल्स के रूप में दिखती है। फिर उसके बाद इसे पैक करके मार्केट में सेल कर दिया जाता है। फिर हर वीकेंड आप चीयर्स बोलकर इस मजेदार लिक्विड का आनंद उठाते हैं। दोस्तों, ये तो हुई मेकिंग प्रोसेस देसी दारू की और एक ब्रांडेड अल्कोहल ड्रिंक की। अब बात करते हैं कि दोनों ड्रिंक्स में इतनी ज्यादा प्राइस डिफरेंस क्यों है। सबसे पहला और मेन रीजन ये है कि देसी दारू की कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर बहुत ही कम होती है। देसी दारू को बनाने के जो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं वो ज्यादातर वेस्ट मटेरियल्स की होती हैं एज कम्पेयर टू ब्रांडेड अल्कोहल। वैसे तो देसी दारू इंडिया के ज्यादातर रूरल एरियाज में मिलती है क्योंकि वहीं पर लोग इसे अपने ढंग से बनाकर सेल करते हैं। एज कम्पेयर टू ब्रांडेड अल्कोहल ड्रिंक्स में जो चीजें मिलाई जाती हैं वो ज्यादातर प्रीमियम मटेरियल्स की होती हैं। एज कम्पेयर टू देसी दारू में सड़ा हुआ गन्ने का इस्तेमाल किया जाता है। देसी दारू का इतना सस्ता होने का एक और कारण ये है कि उसे हर कोई खरीद सकता है जो लोग महंगे ड्रिंक्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। फाइनली मैं बता दूं दोस्तों कि देसी दारू किसी जहर से कम नहीं होती है। डेली यूजेस से ये आपकी किडनी, लीवर, पैनक्रियाज सभी चीजों को अंदर से सड़ा देती है जिससे अगर कोई इंसान इसे डेली पिए तो उसकी जान काफी जल्दी चली जाती है। इसलिए आपने ये कहीं सुना होगा गांव में कि एक इंसान काफी शराब पीता था इसलिए वो मारा गया। लेकिन यही चीज आप कहीं मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं सुने होंगे कि वो ज्यादा शराब पीता था इसलिए वो मर गया। और हाँ दोस्तों, एक फैक्ट और बता दूं देसी दारू के बारे में कि देसी दारू सबसे ज्यादा असरदार होती है किसी को नशा दिलाने में जो कि ज्यादातर ब्रांडेड ड्रिंक्स नहीं दे पाती हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।